इंडियन प्रॉपर्टी एक्सपो एक अच्छी भाविक है हमारे काजी रिजवान साहब की तरफ से, जिन्होंने काफ़ी मेहनत, काफ़ी मोहब्बत और प्यार से इसको सजाया है। मैं समझता हूँ कि हैदराबाद वालों ने भी उन्हें इतना ही प्यार दिया है, बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहा। लेकिन बात यह है कि हमारा जो कराची है वो टारगेट है इस्लामाबाद, और हमारा जो हैदराबाद है इसका टारगेट कराची है। इसी तरह से जब हम शक्कर लारकाना को देखते हैं तो उन सबका कराची हैदराबाद है। हमें अपने हैदराबाद को बड़ा करना है, एक्सिस करना है, तो उस हवाले से इस हैदराबाद में इस तरह के एजेंट होने चाहिए। अब्दुल्ला हुसैन हैदराबाद पिछले तकरीबन 30 साल से ये काम कर रहा है, इसने हजारों लोगों को घर अब दिए हैं जिसमें वो लोग रह रहे हैं। ये प्रोजेक्ट जिसमें आप इस वक्त मौजूद हैं, इसका नाम अब्दुल्ला स्पोर्ट्स टावर है। ये 5.5 एकड़ पर बनाया गया है, इसमें तकरीबन 6 बिल्डिंगें बनाई हैं, एक हॉल बनाया गया है, 635 अपार्टमेंट हैं, 3 कैटेगरी के ये अपार्टमेंट बनाए गए, और लोगों ने इसको बहुत अप्रिशिएट किया है, लोगों ने इसको बहुत पसंद किया। हैदराबाद में एक्सपो का पहला एक्सपीरियंस है, और ये एक्सपीरियंस हैदराबाद में प्रॉपर्टी की दुनिया में एक नया बूंद डालेगा। आने वाले वक्त में एक्सपो इस तरह की नुमाइशें होती रहेंगी तो ये काफ़ी आगे निकल जाएगा। इस एक्सपो से अंदाज़ा होता है कि हैदराबाद में बहुत गुंजाइश है काम करने की। मैं समझता हूँ कि अगर इसको बड़े पैमाने पर लिया गया तो ये पूरे सिंध के लोगों को इसमें इन्वॉल्व कर देगा। आने वाले वक्त में चैम्बर ऑफ कॉमर्स, हैदराबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, इन सबको इन्वॉल्व करना होगा ताकि इस एक्सपो को अच्छे से अच्छा बनाया जा सके, और आने वाले वक्त में उन्हें मजीद इस तरह की काविशें करने की ज़रूरत है।